हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मैं ये ट्रैवलिंग के लिए एक डिकाथलॉन से टेंट परचेज किया था, तो आज का वीडियो इसी के बारे में ही है। तो ये एक 2% टेंट है और इसका प्राइस आके आपको 2500 गिरेगा। आपको भी अगर सेम टेंट चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया है, तो उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट इसको फटाफट से ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए इधर दिया है 107 सेंटीमीटर इसका हाइट है और इसका विड्थ है 130 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 210 सेंटीमीटर और टेंट का वेट है 2.6 केजी। ठीक है, ये 2% टेंट है। ठीक है, अभी इसको ओपन। एक छोटा पॉकेट मिलेगा, ये पॉकेट के अंदर आपको 4 रोप मिलेंगे, 1, 4। ठीक है, 4 रोप आपको ये हुक दिया है, ये टोटल 10 हुक्स है, ये और 10, टोटल 10 हुक्स है। ओके, अब इसको साइड में रखेंगे और ये देखिए, ये है आपका टेंट। ठीक है, और टेंट के साथ में आपको ये फाइबर स्टिक दिया हुआ है, ये टोटल 2 फाइबर स्टिक है, ये और 2। ये है टेंट का कवर, इसको आप संभाल के रखना है। ये है वाटरप्रूफ कवर है, ये टेंट का रेनप्रूफ कवर है, इसको भी अपन साइड में रखेंगे। ये देखिए फिर, ये है टेंट का बेस, ये है फाइबर स्टिक। ये देखिए इसको लगाने का तरीका, ये ऐसे रहता है तो इसको ऐसा करके एक से एक ऐसे जोड़ते जाना है। ये स्टिक को है ना, हम इसके अंदर डालना है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, पहले सेंटर हुक लगाना है, इसको ये दो में से कौन सा जो हाइट पे रहता है ना, उसको ये हुक लगाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंट का सेटमेंट। अब ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये फाइबर स्ट्रिप को हमने ऐसे लगाया है और ये टेंट को देखने से आपको पता चल रहा है, इधर एक वेंटिलेशन के लिए, इधर एक विंडो टाइप वेंटिलेशन के लिए दिया है। एक्चुअली देखिए, ये है टेंट का फ्रंट साइड है और इधर भी एक वेंटिलेशन दिया है, और टेंट के हम अंदर जाने के लिए इस जिप को ओपन करना है। ये है हमारा टेंट का डोर। अगर ऐसे ही हम टेंट लगा दिया तो बारिश के समय क्या होता है, पानी आके सीधे हमारे टेंट के अंदर आता है, तो ये वाटरप्रूफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाटरप्रूफ कवर इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। वाटरप्रूफ कवर लगाते समय आप इसके ऊपर ध्यान देना है, ये देखिए, ये जो पट्टी जो आता है ना, ये इस टेंट का फ्रंट साइड है, यानी कि डोर साइड, तो इसको हम फ्रंट साइड लगाना है। इस वाटरप्रूफ कवर के लिए भी 4 हुक आएगा, ये देखिए, ये पहला हुक इसको डालना है इसे रिंग में, देखिए ऐसे एक लगाया और ऐसे 4 हुक्स आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ओके 2 हो गया।
टोटल चार हुक लगाने के बाद ये आपको सही से लग जाएगा। ये आपका डोर, इधर देखिए, इधर एक टैग दिया है, इसको स्टिक को डाल के ऐसे सब, इधर एक साइड है और इधर देखिए इधर भी एक साइड है, मतलब ये तेज हवा आने में क्या होता है, इसका उड़ जाने का चांस रहता है, तो उसी लिए सेफ्टी के लिए इधर भी चार हुक रहता है, ये भी चार हुक, ये भी हुक है टोटल चार, और सेफ्टी के लिए ये भी आप बांध सकते हैं। ठीक है, इसको रेड लॉक को आप इस पे ऐसा डाल सकते हैं, यानी कि आपको टेंट के अंदर जाने और बाहर आने में आसान रहेगा। ठीक है, ये है हमारा टेंट, देखिए ये है टेंट का डोर। अभी पीछे साइड के लिए देखिए, कवर डालने के बाद अगर बारिश आया तो पानी नहीं आएगा और टेंट के अंदर हवा आराम से आ जाता है, इधर ये वेंटिलेशन के लिए दिया है। और टेंट के अंदर अंधेरा लग रहा है तो मैं इसमें एक लाइट लगाऊंगा, लाइट है, आप भी इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं, इसका प्राइस एक अराउंड 300 रुपीज में आपको मिल जाएगा। लैटिन लगाने के लिए इधर एक हुक दिया है, ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए आराम से, ये 2% टेंट है, एक्चुअली मैं 6 फीट का लड़का हूँ तो देखिए मैं आराम से, बहुत आराम से हम इस पर सो सकते हैं। देखिए हाइट भी आप देख सकते हैं, मैं आराम से स्ट्रेट बैठा हूँ तो पर भी मेरे ऊपर इतना हाइट, इतना स्पेस है, तो दो लोगों के लिए बहुत काफ़ी बढ़िया टेंट है। ये देखिए वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, तो अच्छा है, क्वालिटी देखिए इसका बहुत मस्त है क्वालिटी, पूरा कलर भी अच्छा है। और ये देखिए आप इसके ऊपर आप योगा मैट लगा के भी आप बेड की जैसे इस पर आराम से सो सकते हैं। ठीक है, ये है डोर, तो आराम है, स्पेस अच्छा है। अगर आप ऐसे ही टेंट लगाए ना तो तेज़ हवा में आपका टेंट ऐसे ऐसे और ऐसे हिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसको सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे करके इसे बांध के, जैसे हुक है ना, ऐसे हुक ऐसे लगा के आप इसको ज़मीन में लगाना है आपको। ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे करके ज़मीन में लगा सकते हैं, तो इस साइड एक हो गया, तो टोटल एक हुक और दो और एक तीन और उस साइड है चार, टोटल चार हुक रहेगा, तो इससे क्या होता है तेज हवा चलने से भी आपका टेंट कुछ भी नहीं हिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंट, देखिए फ्रेंड्स अंदर देखिए, देखो इसको भी एक हुक लगा के आप इसको ज़मीन पे ऐसा लगा सकते हैं, ये आपके सैंडल स्लीपर से भी इधर डाल के ऐसे इसको फिक्स करके इधर डालने से बारिश आने से भी पानी उतर के इधर नीचे गिरेगा, आपके स्लीपर के ऊपर कुछ नहीं हो जाएगा, तो ये है स्लीपर के लिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, देखिए टेंट आपको दिखने में ऐसा दिखेगा, तो 5 हुक्स काम आएंगे और 5 हुक्स एक्स्ट्रा दिया है, तो अभी ये हो गया टेंट कैसे लगाना है और टेंट कैसे दिखेगा, तो अभी क्या करेंगे इसको कैसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने तो इसको लगा दिया और इसको निकालना भी एक ज़रूरी काम होता है, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है। देखिए पहले जो हम क्या करना है, पहले जो भी हम ये रोप और हुक्स को लगाया है उसको पहले निकाल लेना है। इसे थोड़े ऐसा करके डायरेक्ट फोल्ड नहीं करने का, इसको पहले थोड़े इसे बाहर निकालने का, बाद में इसको ऐसे फोल्ड करने का। ठीक है, ये देखिए
इसको ऐसे बाहर निकालना है, बाद में इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये हो गया ये डिकाथलॉन 2% टेंट, कैसे लगाना है और कैसे निकालना है। एक्चुअली हम इस वीडियो को अपने घर के टेरेस के ऊपर बना रहे थे, तो अभी जैसे कि मानसून चल रहा है ना, तो इसलिए बहुत तेज हवा चल रहा है, तो तेज हवा की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो इसलिए इस वीडियो को हम इस घर पे बनाना पड़ा। एक्चुअली मेरा प्लान है कि आगे फ्यूचर में चल के कुछ दिनों के बाद वो खेती पे इसको लगा के कैंपिंग और कुकिंग करके एक वीडियो डालता हूँ, तो जब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।